नाम अशोक है और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। सर, ईयर 2020 में मैंने मेरा एलएलबी का ग्रेजुएशन किया था नेशनल यूनिवर्सिटी रांची से। उसके बाद से लेकर इस आरजेएस तक मैंने कई बार यूपीएससी के अटैम्प्ट दिए हैं, आरएस के अटैम्प्ट दिए हैं। हर बार सर उन अटैम्प्ट के अंदर मैं फेल रहा हूँ, क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद में जब सोचा मैंने काफ़ी, तो जुडिशरी को मैंने एज अ मेरा करियर ऑप्शन बनाने का निर्णय लिया। तो क्या ये एक बेटर ऑप्शन मेरे लिए फ्यूचर में बन सकता है क्या, जो मैंने डिसीजन लिया है यूपीएससी और आरएस को छोड़ के और जुडिशरी की तरफ आने का, क्या ये सही है और कितना मेरे को ये हेल्प कर सकता है आगे? अशोक, आपके परिवार वालों ने आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भेजा, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपके परिवार ने निश्चित ही आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं। चाहे तो आप जुडिशल अफसर बनो, चाहे आपने जैसा बनाया आरएएस और आईएएस का भी प्रिपेयर किया, तो चाहे आप आईएएस बनो या आईपीएस बनो या आरएएस बनो आरपीएस बनो, उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। लेकिन आपने जो बात बताई मुझे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद, लॉ कब किया आपने? 2020 में। 2020 में उस समय किया आपने लॉ जब कोरोना का टाइम था, तो कोरोना का टाइम था, उसके बाद फिर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, कभी मैंने भी की थी। लेकिन आज जुडिशरी से अच्छा कैरियर कोई दूसरा इस समय नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपकी इंडिपेंडेंस, कि आप बहुत इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, आप अपने कोर्ट रूम के राजा हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, तो एक बेहतर कैरियर है। दूसरी, जीवन जीने के लिए अच्छा पद, अच्छा पैसा और समय भी चाहिए, तो जुडिशरी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको 10:30 बजे से 4:30 बजे तक काम करना होता है और आपके कोर्ट के मामले में काम को छोड़ दिया जाए, भाई काम कितना करना है, काम के टारगेट्स तो होते ही हैं, जुडिशरी में भी आने लग गए हैं, बाकी आप आंसरेबल नहीं हैं। आपने अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी डिसीजन दिया तो ठीक है, आपका डिसीजन गलत भी हुआ तो उसकी अपील हो जाएगी, लेकिन ये एक बेस्ट ऑप्शन है। सो आपने सही निर्णय लिया है और मेरा अपना मानना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी मैंने खुद ने भी की हुई है, आरएस भी दिया हुआ है, इनमें सबसे बेहतर कैरियर आपने अब चुना है। और रही बात ये कि अभी आरजेएस अभी दिया था जी, तो अभी आपका क्या स्कोर रहा? अभी मेरा स्कोर 69-68 के आसपास में है फिलहाल। देखो 68-69 की जहाँ तक बात है, वहाँ आपको अपने को सेफ समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा 23 जून पर चला जाता हूँ। 23 जून के दिन क्या किया मैंने, मैं कुछ सेंटर्स पे खुद गया और जैसे ही पेपर छूटा, तो पेपर छूटते ही मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा, रैंडम जो मुझे नहीं जानते थे, मैंने ये पूछा, मैंने कहा बेटा कैसा रहा पेपर आपका? तो ऐसा मैंने तय कर रखा था कि मुझे 10 स्टूडेंट से पूछना है, तो 10 स्टूडेंट से मैंने जब पूछा तो 8 ने तो मेरे से यही कहा कि पेपर टफ आया है और पेपर सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस तरह की चर्चा उन्होंने की। उसके बाद फिर मेरे जैसे पेपर ख़त्म हुआ 1 बजे के आसपास से राजस्थली के स्टूडेंट्स के बहुत सारों के फ़ोन आने लग गए और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि सर क्या कट ऑफ जाएगी। सच ये है, चाहे मैं कहूँ चाहे कोई और इंस्टीट्यूट वाला कहे, कट ऑफ की सही बात तो राजस्थान के चीफ जस्टिस को ही नहीं पता, कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ तो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जब कंप्यूटर में डलेंगे तब पता लगेगा कि क्या जानी है। ये एक अनुमान मात्र है। अब अनुमान की जहां तक बात है, देखो जितनी वैकेंसी हैं उनका 15 गुना पास किया जाना है। 15 गुना के हिसाब से एक तो 3,500 के आसपास पास होंगे, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी सर्किल होंगे
जैसे सर्किल का मतलब क्या कहना चाहता हूँ, जैसे एक जनरल कैटेगरी का सर्किल है, जनरल के जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं राजस्थान के और राजस्थान से बाहर के, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, वो सब जनरल में कैटेगरी में आएंगे, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का एक सर्किल होगा, उनका कॉम्पिटिशन केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ है। फिर जनरल गर्ल्स का, तो जो जनरल गर्ल्स राजस्थान की हैं उन्हें 30% रिजर्वेशन मिला हुआ है उस कैटेगरी में, तो उनका एक सर्किल बनेगा। फिर ओबीसी के बॉयज़ का एक सर्किल बनेगा, उनका ओबीसी ओबीसी के बॉयज़ के साथ ही कंपटीशन है। फिर ओबीसी गर्ल्स का सर्किल बनेगा, फिर उनका उन्हीं के साथ कंपटीशन है। फिर एससी बॉयज़ का बनेगा, एससी गर्ल्स का बनेगा, एसटी का बनेगा, तो इतने सारे के सारे कैटेगरी हैं और उन कैटेगरी का जो लास्ट नंबर है वो सारे के सारे पास किए जाएंगे। जैसे एक नंबर कोई सा नंबर है जिस पे मान लो 60 आया, तो 60 पे 20 स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं, तो 20 के 20 पास होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 20 में से 60 वाला एक ले ले, तो 20 जने एक ही नंबर पे हैं तो वो सारे पास होंगे। दूसरा अशोक क्या है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे 90 प्लस स्कोर करने वाले, मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ 90 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट मैक्सिमम इस पेपर में 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। फिर 80 to 90 के बीच में जो स्टूडेंट फॉल करेंगे करीब करीब 300 के आसपास होंगे। कितने? 300 के आसपास। फिर 70 से 80 के बीच में जाएंगे तो करीब 1000 स्टूडेंट फॉल करेंगे। तो अभी तक देखा जाए तो 1300 और हम 100 भी मान लें हो 90 प्लस वालों को, तो 1400 स्टूडेंट हुए। फिर 70 से 60 के बीच में जो जाने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने होंगे? वो रिमेनिंग फिर इनमें ही आते चले जाएंगे। तो कट ऑफ जितना स्टूडेंट सोच रहे हैं उतनी जाने की संभावना नहीं है।